बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। अगर आपके घर में सब्जी नहीं हो तो आप इसे इस तरह से बना खाएंगे, तो दो की जगह चार रोटी खाएंगे। बहुत टेस्टी होता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो हमने चार टमाटर लिया है, ये टमाटर हमको गैस पे भुनना है। इस तरह से हम इसे गैस पे एक जाली रखेंगे और इस तरह से भुनेंगे। आप चाहे तो इस पर हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही भून ले रहे हैं, ऐसे ही भुन जाएगा बहुत आसानी से। तो इस तरह से हमको इसको अलट पलट के बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। भूनने से इसका स्मोकी स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप फिर छौंक के कभी नहीं बनाएंगे, आपको इसी तरह अच्छा लगेगा। जब तक ये भून रहा है, जब तक हम लहसुन प्याज अदरक ये सब छील लेते हैं। तो इसको एक बार पलट देते हैं, ये भुनता रहेगा और तब तक हम सारा सामान तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या क्या डालेंगे, आप चाहें तो लहसुन इसमें भून के डालें। एक पोटली पूरा आप एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके इसे गैस पे भून लें, बट हम इसमें कच्चा ही डाल रहे हैं। हमारे यहाँ कच्चा सबको पसंद आता है, इसलिए हम इसे नहीं भून रहे हैं। और मिर्च भी आप भून के डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे लहसुन को हमको छील लेना है। छीलने के बाद फिर इसे हम चॉप करेंगे, और प्याज को भी इसी तरह हमको छील लेना है। तुरंत छील के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहले से छील के नहीं रखना है, नहीं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से देखिए, हमने लहसुन छील लिया है और अब अदरक को छील ले रहे हैं। अदरक, लहसुन, प्याज इन सब को छील करके फिर हमें छोटा छोटा चॉप करके रखना है, ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो सके। तो इस तरह से देखिए, हमने अदरक को भी छील लिया और अब प्याज को छील लेते हैं। एक प्याज हमने इसमें डाला है मीडियम साइज़ का, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। इस तरह से आप एक प्याज डालें, प्याज का क्रंची भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और सारी सब्जियां इसमें जो भी डल रही हैं, कच्चा ही डल रहा है। लहसुन, अदरक और टमाटर केवल हमने भुना है, बाकी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज ये तीनों को हमको कच्चा ही डालना है। एक बार इस तरह से कच्चा डाल के बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। यूपी में ये बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है इस तरह से, और यूपी के लोगों का ये फेवरेट डिश है। ठंड के सीज़न में टमाटर बहुत अच्छा आता है, धनिया अदरक मिर्च डाल के खाना के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसे झटपट बना सकते हैं। कोई भी सब्जी बनी हो साथ में आप इसे भी बना सकते हैं। इसे आप चटनी की तरह दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हमने अदरक लहसुन इन सबको छोटा छोटा चॉप कर लेना है। छोटा छोटा चॉप किए रहेंगे तो मिक्स होने में आसानी रहेगा, और इसकी बाइट जो मुँह में आएगा वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप छोटा छोटा चॉप कर लें, और धनिया की पत्ती भी काटना है। फ्रेश धनिया हमने इसमें एक बच डाल दिया है। इन दोनों धनिया आप ठीक मिल रहा है, आप अच्छे से डाल के धनिया की पत्ती बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। धनिया का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए, गैस हमने बंद कर दिया है, और इधर हम धनिया की पत्ती और प्याज भी काट लेते हैं। जब तक टमाटर ठंडा होता है, जब तक हम इसे काट के साइड में रख लेते हैं। तुरंत फ्रेश काट के बनाना, पहले से काट के नहीं रखना, इस चीज़ को ध्यान दें। तो इस तरह से देखिए, अदरक, लहसुन, प्याज सब हमने छील लिया है, काट लिया है, और अब टमाटर ठंडा हो गया, इसे छील करके हम निकाल लेते हैं। और इसका जो आँख वाला भाग है उसे हमें काट के निकाल देना है। वो हार्ड होता है, वो अच्छे से नहीं मिक्स होगा, इसलिए उसे आप काट के निकाल दें। तभी हम उसे भी दिखाएंगे किस तरह से हमको काट के निकालना है। पहले सारे टमाटर को छील लेंगे। तो ये देखिए, चारों टमाटर छील गया। अब इसे हम एक प्लेट में लेंगे जिसमें हमने छीला था, और सारे आँख को हमको निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये जितने हार्ड पार्ट्स हैं इसको हमको निकाल के रख लेना है। ये इसमें नहीं अच्छा लगेगा, इसे खाना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसे ज़रूर काट के निकाल दें। इस तरह से हम सारे का काट के निकाल दे रहे हैं, और उसके बाद इसे हम हल्का सा नाइफ से चॉप कर लेंगे। फिर आगे हम कैसे बनाते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में डाल करके इसका जूस नहीं डालें, सिर्फ गूदे गूदे को डालें। जूस डालने से ज़्यादा मैसी हो जाएगा, और हमको इसको चंक रखना है, इसलिए हमको हल्का सा ही इसको क्रश करना है। और अगर आपके पास नहीं है चॉपर तो आप हाथ से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। अच्छे से भुन गया है, बहुत आसानी से मैश हो जाएगा। और इसमें चॉपर में आप डाल के सबको चॉप कर देंगे तो सारा फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने सारे को चॉपर में डाल दिया, और इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। ज़्यादा नहीं हमें चॉप करना है, हल्का दरदरा ही करना है, इसलिए हमको 4 से 5 बार ही इसे चलाना है। इस तरह से देखिए, हल्का दरदरा क्रश कर लिए हैं। इसमें लहसुन अदरक भी सब अच्छे से मिक्स हो गया, तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अब इसे हम उसी जूस वाले प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि उसका जूस भी इसमें मिक्स हो सके। और अब इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा पाउडर भुना हुआ, 1/2 टीस्पून काला नमक,
हाफ टी स्पून सादा नमक, और इसमें हम डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल भी हमारे पास है, मस्टर्ड ऑयल भी है, लेकिन हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल पसंद करते हैं, आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जन भी डाल सकते हैं। तो हम इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे आपको दिखाते हैं कैसे हमें सर्व करना है। आप इसे रोटी से, पराठे से, किसी के साथ भी खाएंगे, दाल चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आप लिट्टी बना लेते हैं उसके साथ खाएं तो भी अच्छा लगेगा। तो ये किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साइड में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी है, इसे हमने हरी धनिया की पत्ती ऊपर से डाल के गार्निश किया है। तो एक बार इस तरह से बनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि ये चोखा कैसा बना है। और बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।